नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। पूरे विश्व में जिस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, उसी कड़ी में इस बार भी श्री राधा रमण बिहारी मंदिर इस्कॉन मंदिर की तरफ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा 7 जुलाई को लखनऊ के इस्कॉन मंदिर से निकलेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष परमेश श्याम दास ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। क्या कुछ कहा इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष ने, आप भी सुनिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आप सब सादर आमंत्रित हैं। मैं अपरमेय शामदास, अध्यक्ष इस्कॉन लखनऊ, आप सबको सब परिवार आमंत्रित करता हूं कि सब अपने अपने हाथों में कुछ पुष्प लेके आइए। और अगर रथ यात्रा आपके दरवाजे से, आपके प्रतिष्ठान से, आपकी रोड पर निकल रही है, तो अपनी घरों से, अपनी छतों से, अपने प्रतिष्ठान से पुष्प वर्षा करिए और जगन्नाथ जी का पूरा कृपा लीजिए। जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ पर पुष्प वर्षा करता है, जगन्नाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचता है और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता हुआ उनके समक्ष नाचता है, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवत धाम वापस जाता है, ऐसा वर्णन हमारे पुराणों में। तो हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए रविंद्रालय में। 12 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और ये कार्यक्रम 4 बजे से रविंद्रालय में भगवान को रथ पर बिठा करके ले जाया जाएगा और रथ खींचा जाएगा। उस रथ में, रथ के आगे मुकुंदा बैंड होगा, जिसमें रॉक प्रस्तुति के साथ हरे कृष्ण महामंत्र होगा, हाथी होंगे, घोड़े होंगे और विशेष झंडे होंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के प्रतीक, जो कि इस बार बहुत विशेष हैं और जिनको प्रभुपाद यूथ आर्मी की डिवोटी द्वारा तैयार किया गया है। और वो रथ के आगे भगवान बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ जी का प्रतिनिधित्व करते हुए सबको उत्साहित करेंगे और भक्ति से आप्लावित करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए आज की खबर।